अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और आज ईद का दूसरा दिन है और आज हमने कहा कि बाहर चलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। फैमिली साथ है तो देखिए, ये रियान, किरण और ये मेरा छोटा वाला भी बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर। स्टार्ट करते हैं। और आज हम जा रहे हैं ब्लू वाटर शॉपिंग सेंटर, जो कि हमारे घर से काफ़ी करीब है, सिर्फ 15-20 मिनट्स की ड्राइव है। और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट की काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये जहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। आई वुड रिकमेंड कि आप सबको एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए। एंड इट इज़ नंबर 5th लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर है इन द यूके, एंड मोर देन 300 शॉप्स हैं यहाँ पर। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बच्चों के एंटरटेनमेंट की भी काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे ट्रैम्पोलिन पार्क है, मिनी गोल्फ है और सॉफ्ट प्ले है। और रेस्टोरेंट्स भी बहुत तरह के हैं, यहाँ तक कि हलाल फूड तक अवेलेबल है। आपको अंदर हर तरह की शॉप मिलेगी, ज़ारा, प्राइमार्क से लेकर यहाँ तक कि अमेज़ॉन की फ़र्स्ट यूके की जो जनरल स्टोर है, दैट इज़ आल्सो लोकेटेड इन ब्लू वाटर। हमारा आधा दिन तो इधर ऐसे ही गुजर गया, थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेनमेंट कराया, फिर बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स लेकर हम बाहर बेंचेस पर बैठ गए कि इतना अच्छा व्यू देखने के लिए। और उससे फारिग हुए, लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि हम कुछ आज देसी खाएं, क्योंकि कल हमने थोड़ा सा वेस्टर्न खा लिया था। तो आज हम ईस्टर्न खाने के लिए इस मॉल से निकले और इल्फिट की तरफ चले गए। जब इल्फिट में एक्चुअली बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन कुजींस हैं, तो वहाँ पर बहुत वैरायटी है जो मॉल्स और इधर अवेलेबल नहीं है। तो हमने हवेली रेस्टोरेंट, विच इज़ अ पाकिस्तानी कुजीन, वहाँ हम लोग गए। वहाँ के मेन्यू में इतनी ज़्यादा डिशेस थी कि इट वाज़ हार्ड टू डिसाइड, पर हमने मलाई बोटी एंड चिकन कढ़ाई ऑर्डर की और ख़ूब मज़े ले लेकर खाया। और फिर थोड़ी सी पिक्चर्स ली, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया और फिर हम वापस घर आ गए। घर आकर भी बच्चे इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे कि उनको मुश्किल था कि सुलाना। सुलाया है क्योंकि रियान का कल स्कूल है, अब बैक टू नॉर्मल अब हो गए, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। इस दफ़ा ईद जो थी वो वीकेंड पे आई थी, तो लॉन्ग वीकेंड था, तो अच्छा 2-3 दिन मिल गए ईद के। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो एक दिन ही होती है ईद ज़्यादातर सेलिब्रेट, छुट्टी का मसला होता है, लोग क्योंकि काम करते हैं। पाकिस्तान में तो होता है 2-3 दिन ऑफ मिल जाते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ऑफ लेना पड़ता है। तो बस ईद का दिन ऐसे ही गुजरता है, नमाज़ पढ़ी, लोगों के घरों में गए, दोस्तों के घरों में गए, मिले और दिन यूँ ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन मिलेगी इससे नई वीडियो डालेंगे। थैंक यू।